ठीक है प्रेजेंटिंग मार्कर चाहिए मार्कर किधर है इधर दिख नहीं रहा मैंने ये रख दिया क्या नहीं दूसरा ले लिया मैंने शायद कहीं रख दिया नहीं मेरे पास है मेरे पास चलो कमेंट्स जूम कर दीजिए हेलो बच्चों गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप सभी तो आपके शिल्पी मैम आ गए हैं अगर मैं बात करूं आपकी कोयल मैम आ गई और आज हम पढ़ेंगे धुआंधार तरीके से यहां पर एनिमल किंगडम आज हम एनिमल किंगडम की बात करेंगे और जिसे हम हिंदी में जंतु जगत कहते हैं आप सभी जल्दी से लाइव आ जाइए बिल्कुल बेसिक से मैंने कहा था बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगी अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो बहुत बहुत कम क्या मैंने देखा कि एनिमल किंगडम कहीं भी पढ़ाया नहीं गया है

हाई डिमांड ठीक है मैम एनिमल किंगडम अब देखो अगर आप लोग एनिमल किंगडम में अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं ठीक है थीके? अपने सारे जो भी दोस्त हैं जो भी प्राणी यहाँ पे आते हैं अगर आप उन्हें इन्फॉर्म करते हैं ठीक है थीके? तो मैं क्या करूंगी बच्चों आप सभी ध्यान से सुनिएगा मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि अगर आप इन्फॉर्म करते हैं सभी को ठीक है तो और अच्छा रिस्पांस आता है आपके इस क्लास पे ठीक है एनिमल किंगडम पे तो मैं आपको प्लांट किंगडम भी पढ़ाऊंगी ठीक है मैं आपको प्लांट किंगडम भी यहाँ पढ़ाने वाली हूं ठीक है तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए ठीक है ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए फटाफट -फित क्लास को स्टार्ट करेंगे हम ठीक है ओके ओके गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेरी वेरी गुड इवनिंग हां जी खुशी है तृप्ति है नेहा है ठीक है मनीष है माई ड्रीम है सौरभ है सानू है मिस्टीरियस है यहाँ सारे प्यारे बच्चे मनीष निशी सभी जो अपने रेगुलर

ठीक है एनिमल किंगडम कैसे शुरू हुआ कैसे एनिमल किंगडम आया ठीक है तो बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे धीरे 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 करके कर आगे आए और फिर वो क्या किया उन्होंने ट्रेन को आगे लेकर वो गए ठीक है तो एक एक बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ठीक है एक एक बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चलिए देखो बच्चों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आ, बात बताऊं अगर हम्म 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 पहले तो एक पेन सेलेक्ट कर लेते हैं चलिए देखो बच्चों हुआ यू कि सबसे पहले आते हैं सबसे पहले आते हैं कार्ल थी। जिनका नाम है दुनिया को बहुत ध्यान से देखते हैं ठीक है पूरी दिन, दुनिया में अगर मैं लिविंग्स की बात करूं ठीक है लिविंग्स की बात करूं यानी जीवों की बात करूं निर्जीव चीज की बात नहीं करूं जीव की बात करूं कि बायो है तो हम जीवों की ही बात करें लिविंग्स की बात करेंगे तो उन्होंने देखा उनके सबसे पहले नजर गए कि दुनिया में दो तरीके के लिविंग उन्हें दिखे एक तो उन्हें प्लांट दिखा ठीक है एक तो उन्हें प्लांट दिखा और दूसरा उन्हें क्या दिखा एनिमल दिखा उन्होंने कहा एक तो कुछ इस प्रकार के लिविंग्स हैं लाइक प्लांट ठीक है कि जो अपनी ही जगह पर हमेशा खड़े रहते हैं वो मूव नहीं करते हैं और दूसरा उन्होंने देखा कि एनिमल्स है लाइक यू मी ठीक है रेबिट ठीक है डॉग जो भी फिश वगैरह उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा दो प्रकार के जानवर हैं एक तो मोशन नहीं करते हैं दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो मोशन नहीं करते उन्होंने उसे प्लांट, प्लांट किंगडम में डाल दिया और जो मोशन करते हैं उनको उन्होंने किसमें डाल दिया एनिमल किंगडम में डाल दिया, दिया। यानी सबसे पहले दो प्रकार के किंगडम आते हैं फर्स्ट वन इज प्लांट किंगडम एंड सेकेंड वन इज एनिमल किंगडम दो किंगडम गए कौन सा प्लांट किंगडम देन आया आपका एनिमल किंगडम तो सबसे पहला जो आता है पहला क्वेश्चन एग्जाम का अभी मैं क्वेश्चन लेके आऊं एक-एक क्वेश्चन पूछूंगी सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन या सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने दिया कार्ल लीनियस ने दिया इसमें उन्होंने किस-किस चीज को रखा था इसमें उन्होंने दो चीजों को रखा था फर्स्ट वन इज प्लांट एंड सेकेंड को रखा था प्लांट को रखा था एनिमल को रखा था प्लांट को रखा था जो मोशन नहीं करते जो यानी लाइक एनिमल दो चीजों में डिवाइड किया अब ऐसे ऐसे देखो ध्यान से समझना देखो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आप दिख रहे हो ना ये ये आर विटेकर ने किया था 1969 में ये मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा जो आज हम पढ़ते हैं ठीक है आज के डेट में जो हम पढ़ते हैं यानी जो सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन हुआ है वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ है लेकिन मैं आपको बता दूं आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत बनता है एनिमल किंगडम में हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत बनता है देखो सबसे पहले याद रखो Two kingdom classification, कैसे याद रखना है? किसने दिया? ने दिया डेट याद रखने की जरूरत नहीं है उस क्लासिफिकेशन में किस किस को मेंशन किया? एक तो प्लांट रखा दूसरा एनिमल रखा क्या रखा एनिमल रखा ठीक है फिर आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन मैम ये ये किसने दिया हैकल ने दिया 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 किसने किसने हैकल हैकल ने ने बच्चों कहा प्रोटेस्टा ऐसे होते हैं बच्चा जो यूनिसेल्यूलर होते हैं ठीक है यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या है मैम एक कोशिका होगी सिंगल सेल होगी एक कोशिका ठीक है डन देन आता है बच्चों फोर किंगडम क्लासिफिकेशन क्या आता है

उसके बाद में अगर मैं बात करूँ लास्ट में आपका आता है मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटाई एनिमल ये पांचों किंगडम में से जो आपका टॉपिक है वो है बच्चा एनिमिलिया किंगडम यानी लास्ट में फिफ्थ टॉपिक है आपका एनिमल किंगडम ठीक है लास्ट में आपको क्या पढ़ना है एनिमल किंगडम पढ़ना है देखिए ध्यान से सुनेंगे मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है यहाँ पे देखो ये ये वाला पॉइंट ये को अगर हम छोड़कर इस पॉइंट पे आते हैं देखो ये है आपका सबसे सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन जो आपके आर एचिकर ने दिया ठीक है आर एच विटीकर ने ये दिया है सबसे सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन है आज तक का सबसे सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन यही है क्या क्या है एनिमल्स है एनिमल्स जितने भी एनिमल्स है हमारा बेसिकली टॉपिक यही है एनिमल्स यह किंगडम ठीक है प्लांट आप जानते हैं प्लांट आपको दिखते हैं प्लांट हमसे बिल्कुल अलग है सभी प्रकार के, के प्लांट्स को कहाँ रखा गया है सभी प्रकार के प्लांट्स को बच्चों है प्लांट किंगडम में रखा गया है ठीक है उसके बाद में आता है फंगी अब देखो एक बात बहुत ध्यान से समझो पहले क्या था जब पहले क्या था सभी ने क्या किया था फंगी को उठा के किस में रख दिया था प्लांट में रख दिया था बच्चा प्लांट वही है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा हम उसे प्लांट कहेंगे यानी जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं स्वपोषी होते हैं अपना खाना खुद बना सकते हैं फंगी याद रखिएगा क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता नहीं तो क्या फंगी अपना खाना बना सकते हैं नहीं बच्चा हेटरोट्रॉफी होते हैं यानी परपोषी होते हैं पर होते हैं इसीलिए अब बताओ फंगी अपना खाना खुद नहीं बना सकता सभी प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं तो क्या फंगी प्लांट अलग है इसीलिए फंगी अलग किंगडम बना दिया गया इसीलिए फंगी अलग से किंगडम बना दिया गया ठीक है उसके बाद में आता है बैक्टीरिया बैक्टीरिया कौन सा किंगडम है मैम बच्चा याद रखेगा जो मोनेरा किंगडम है ना मोनेरा देखो मोनेरा बहुत ध्यान से सुनना मोनेरा में कितनी कोशिका है एक कोशिका हिंदी में पढ़ा रही हूँ बिल्कुल मोनेरा में एक कोशिका है हाँ जी मैम ठीक है प्रोटेस्टा में कितनी कोशिका है जितने ऑर्गेनिज्म रहेंगे इनमें भी एक कोशिका रहेगी कितनी एक कोशिका रहेगी दोनों में अंतर क्या है मैम इसमें भी एक कोशिका मैम इसमें भी एक कोशिका मैम दोनों में अंतर क्या है बच्चा ध्यान से सुनेंगे इसकी जो एक कोशिका है वो है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी है प्रोकैरियोटिक कोशिका है और इसकी जो एक कोशिका है वो यू कैरियोटिक कोशिका है यू कैरियोटिक कोशिका है यू कैरियोटिक कोशिका का मतलब है कि उसकी कोशिका में न्यूक्लियस प्रेजेंट है प्रो कैरियोटिक कोशिका का मतलब है देयर इज नो न्यूक्लियस ठीक है थम्सअप करी इतनी बात समझ में आ गई थम्सअप करो इतनी बात समझ में आ गई फटाफट फटाफट बताओ इतनी बातें समझ में आ गई जल्दी से क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है चलिए शानदार मैम शानदार यस मैम यस मैम यस मैम ठीक है तो मैंने यही बताया कि आपके पास बेसिकली पांच किंगडम है पहला बच्चा एनिमल किंगडम किंगडम चौथा किंगडम किंगडम ठीक है और पांचों एक दूसरे से अलग है ठीक है पांचों एक दूसरे से अलग है अब आपका जो टॉपिक है वो एनिमल किंगडम से है आपका जो टॉपिक है वो एनिमल किंगडम से है क्वेश्चन के साथ साथ को कवर करेंगे ठीक है क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक को कवर कर रहे होंगे हम चलिए भाई क्वेश्चन के साथ साथ हम क्या करेंगे टॉपिक को कवर करेंगे एक सेकेंड इसने पोल नहीं लगाया क्या देव कहाँ पे है इसे बुलाना इसके जो है स्टूडियो पर्सन पे बुलाना आपने पोल नहीं लगाया था पोल कहाँ से लगेगा उसका मैच करना हैशटैग कितना है मैनुअल भी ये रहा ना चलिए भाई ओके okay, तो क्वेश्चंस के साथ पढ़ना शुरू करेंगे ठीक है क्वेश्चंस के साथ पढ़ना शुरू करेंगे एनिमल किंगडम को जहां जरूरत रहेगी मैं सीधा सीधा थेरी भी पढ़ाते चलूंगी चलिए हाँ जी पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने पूछा जा रहा है कि ध्यान से सुनिए कि फाइलम फाइलम सिलेंट्रेट को और किस नाम से जा, ना, जाना जाता है ठीक है जो फाइलम सिलेंट्रेट है इसे और किस नाम से जाना जाता है प्रोटोजोआ पोरिफेरा निडीरिया या एनीलिडा फाइलम कहा जाता है बताएं जल्दी से हां जी सर जूम करके जाओ कमेंट्स जल्दी 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 सर जूम कर दो कमेंट्स हाँ जी येस ऑप्शन के साथ सी ऑप्शन सी ऑप्शन बहुत शानदार सी ऑप्शन बहुत शानदार यस बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं यस मैम सी ऑप्शन बिल्कुल सही है निडरिया फाइलम आपका सी ऑप्शन सही जाएगा निडरिया फाइलम आपका सी ऑप्शन सही जाएगा सी के साथ शो रिजल्ट करेंगे सिक्सटी सिक्स परसेंट ठीक है संदीप काजल पांडे अनुनिषाद नेहा सिंह ये पूरा नोट्स मैं दे दूंगी ये पूरा नोट्स जो है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी अब देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ मैं आपको बताती हूँ ठीक है यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया है कि सीलन ट्रेटा को और क्या कहा जाता है यहाँ पे देखिए सीधा यहाँ लिखा गया है इसको पढ़िए ठीक है यहाँ पे लिखा गया है कि या या तो बोलिए इसे इसे है ना? या इसे है ना बच्चे निडेरिया फाइलम बोलेंगे ठीक पे जब मैं आपको ये नोट्स दूंगी तो यहाँ पे लिखा हुआ ठीक है अब यहीं से एक बात और नोट करो सीधा नोट करो कि एनिमल किंगडम के अंदर एक फाइलम है जिसे निडेरिया सीलन कहा जाता है इसके दो एग्जाम्पल हमेशा के लिए याद रखो एक तो जेलीफिश बहुत पूछा जाता है दोनों एग्जाम्पल नोट करो साइड में और दूसरा याद देखिएगा हाइड्रा ये दोनों कहां पे बिलोंग करते हैं जेलीफिश का नाम आपने जरूर सुना होगा और हाइड्रा का भी पक्का सुना होगा हाइड्रा और जेलीफिश दोनों याद रखिएगा कहां से बिलोंग करते हैं मैम हाइड्रा और जेलीफिश बच्चा दोनों निडीरिया फाइलम से ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगी ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगी एक धमाकेदार न्यूज है आज मैं टेलीग्राम पे आठ पी लाइव आऊंगी ठीक है वीडियो कॉल पर बातें शाते करेंगे आप डायरेक्टली में से बात कर सकते हैं अपने कोई डाउट्स रख सकते हैं कोई भी दिक्कत है आप में से शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली 8 पीएम एसएससी वाला जो शिल्पी मैम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है शिल्पी मैम एसएससी वाला करके उस पे मैं आज 8 पीएम लाइव आऊंगी ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है चलिए बहुत शानदार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसमें रक्त नहीं है लेकिन वो सांस लेते हैं अच्छा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो ब्लड बट दे रेस्पायर कॉकरोच अर्थवॉर्म हाइड्रा कंगारू कौन सा है जो सांस तो नहीं ले सॉरी सांस लेगा लेकिन बच्चों उसमें आपसे पूछा कहा जा रहा है कि खून नहीं है देर इज नो ब्लड हाँ जी किस ऑप्शन के साथ किस ऑप्शन के साथ जल्दी से अब देखो मैं यहाँ पे आप सभी को सारी बातें बता देती हूँ ठीक है सभी को सारी बातें बता देती हूँ देखो जो कॉकरोच है याद रखिएगा ऑर्थ्रोपोडा संघ में आएगा ऑर्थ्रोपोडा संघ में कौन आएगा अर्थ्रोपोडा फाइलम में आएगा अर्थवॉम आपका एनी फाइलम में आएगा ठीक है एनी फाइलम में आएगा ठीक है हाइड्रा भी बताया है आपका किस फाइलम में आएगा आपका निडीरिया फाइलम में आएगा ठीक है और ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही बता रहे निडीरिया ठीक है हाइड्रा जो है हाइड्रा और जेल

याद रखिए हमेशा याद रखेंगे जेली फिश आपका निडीरिया फाइलम से है ठीक है किस फाइलम से है मैम निडीरिया फाइलम से है बताइए जेली फिश के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि जेली फिश को और किस नाम से जाना जाता है हाइड्रा नाम से फिजीलिया नाम से ओरियला नाम से ओवेला नाम से हां जी बहुत शानदार आंसर कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनिमल किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनिमल किंगडम का यस yes, बच्चा यू आर राइट इसे हम ऑरियला नाम से जानते हैं जैलीफिश को ऑरियला नाम से जाना जाता है सी ऑप्शन आपका सही जाएगा ठीक है यस राइट सी ऑप्शन आपका सही जाएगा शो sure, रिजल्ट में आठ प्रतिशत ही सही आ रहे हैं पर कोई बात नहीं हंसने की कोई जरूरत नहीं है दुख की कोई जरूरत नहीं है खुशी खुशी हाँ हंसने की जरूरत है हंसने की जो माई बैट हंसने की जरूरत है खुशी खुशी तेरा दिया क्वेश्चन एक्सेप्ट किया और इसे अपनी कॉपी में नोट किया ठीक है चलिए एट परसेंट यहाँ पे है मयंक है यहां पे शिखा है अफरीन है अमित है कोमल है ठीक है चलिए तो याद रखिएगा कि जेली फिश निडेरिया फाइलम से है जेली फिश का नाम मोरेला है और जेली फिश का ही दोस्त हाइड्रा है यानी हाइड्रा इज आल्सो बिलोंग फ्रॉम द निडेरिया फाइलम ठीक है निडेरिया फाइलम से जेली फिश है हाइड्रा है और जेली फिश का दूसरा नाम मोरेला है ये आपको जीवन भर याद रखना है ठीक है आज आइए है ना मैम ये आपका फेवरेट सॉन्ग है क्या रही? रील्स में यही सब तो चलता रहता है चलो आ जाओ अगला है आपके सामने ठीक है पूछा जा रहा है कि आ, समुद्री एनिमोन को इस नाम से भी कहा जाता है किस नाम से हां जी समुद्री यहाँ पे सी एनिमोन कौन सा होता हाइड्रा फिजिलिया और येला आपका मैट्रीडम हाँ बताइए किस ऑप्शन के साथ खेलेंगे जल्दी 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 किस ऑप्शन के साथ खेलेंगे जल्दी 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 तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यस yes, बच्चे ठीक है? यहाँ पे जो यहाँ पे क्या सी एनिमोन है ना जेली फिश को ही सी एनिमोन कहा जाता है जेली फिश को ही सी एनिमोन कहा जाता है और थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है कि जेली फिश का जेली फिश का नाम क्या है देखो जेली फिश को सी एनिमोन कहा जाता है और जेली फिश का नाम थोड़ी देर इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि ओरियला कहा जाता है जेलीफिश को ठीक है तो आंसर आएगा ओरियला यहाँ पे आपका सही आएगा यानी ऑप्शन राइट जाएगा ठीक है जितने बच्चों को नहीं आ रहा सभी कॉपी में नोट करें जितने बच्चों को नहीं आ रहा एक एक क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे ही एग्जाम में आए हैं जो आप देने वाले हो चलिए फाइव परसेंट यहाँ पे सही है इससे पता चलता है कि बहुत वीक है पॉइंट्स पर कोई बात नहीं साथ साथ कॉपी में नोट करते चलो ठीक है कोई बात नहीं कहा असल दुख वाली बात नहीं है नहीं आ रहा ये अच्छी बात है ये भी आपको आ जाएगा चलिए मीत कुमार हरेंद्रा हेमंत ठीक है आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है हां जी ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है वह जानवर जिसे पोर्लुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है हां जी बताइए एनिमल विच ऑल्सो एज द लुगीज मैन ऑफ वॉर ठीक है दिस इज द फिजिलिया हाइड्रा ओरियला या आपका ओवेलिया आंसर करिए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा चारों में से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा पता है आज की क्लास में मैं क्या देख पा रही हूं आज की क्लास में मैं तुक्का लगाने का अवसर देख पा रही हूं कि मतलब क्या तुक्केबाजी है ठीक है रखिएगा कि जो जेलीफिश है उसे ही कहा जाता है बता दो मैंने कहा कि फिश को कहा जाता है अब ऑप्शन खोज के बता दो मैंने कहा कि पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर किसे कहा जाता है जेलीफिश को कहा जाता है अब बता दो इसमें से क्या आंसर आ जाएगा अब बता दो जल्दी से बता दो यस yes, करे हे भगवान हे प्रभु ये क्या हो गया आंसर ओरियला आपका सही जाएगा जेली फिश ठीक है याद रखेंगे एक एक क्वेश्चन को याद रखना है बहुत इजी क्वेश्चन अगर एक बार पढ़ लोगे आगे नहीं भूलोगे ठीक है तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ओरियेला सी ऑप्शन आपका सही जाएगा और 16 प्रतिशत यहाँ पे सही है जिसमें से तृप्ति संदीप गोल्दी पांडे बाबू के आर सपना पूनम सुरेंद्रा नीलेष ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं हां जी उभयचर शब्द का अर्थ क्या है ठीक है आपसे कहा जा रहा है ठीक है कि What does the word amphibian mean? ठीक है चलिए बताइए आपसे क्या पूछा जा रहा है जल्दी से बताइए लिप्स, लिप्स या थ्री लिप, या आपसे वन लाइफ ठीक है किसे कहा जाता है तो देखो जो एम्फीवियन है ये सीधा रिलेट करता है फ्रॉग से ठीक है फ्रॉग से ठीक है फ्रॉग से फ्रॉग से, से, से सीधा रिलेट करता है राइट चलिए फ्रॉग से सीधा रिलेट करता है आंसर आएगा टू लिफ्ट ठीक है जो दो जीवन जीता है यानी जमीन पे भी लैंड पे भी जमीन पे भी जीता है वॉटर में भी जीता है ठीक है तो टू लाइफ यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा टू लाइफ यानी ए ऑप्शन आपका श्योर रिजल्ट करने पे 85 फाइव परसेंट यहाँ पे से काजल समुद्र लुटेरा के आ रहा है यहाँ पे आप सभी सही बता रहे अब यहाँ से कुछ सीखो ठीक है देखो हमें फाइव किंगडम में से क्या उठाना था मैंने कहा कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है इसमें से आपको उठाना है जस्ट एनिमल किंगडम बहुत ध्यान से सुनिएगा एनिमल किंगडम अब देखो बच्चों ध्यान से सुनो किंगडम के बाद क्या आता है किंगडम के बाद क्या आता है मैम किंगडम के बाद फाइलम्स आते हैं ठीक है किंगडम के बाद क्या आता है फाइलम आते हैं ठीक है जैसे मान लो आपका फाइव किंगडम हो गया ठीक है अब किंगडम में आपने किस किंगडम को उठा लिया इस फाइव किंगडम में से एक किंगडम पकड़ के उठा लिया इज एनिमल किंगडम अब इस एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम आते हैं यानी संघ आते हैं ठीक है फाइलम यानी संघ आते हैं ठीक है, है? संघ आते हैं कितने संघ है एनिमल किंगडम के अंदर याद रखिएगा देर इज इलेवन फाइलम कितने फाइलम हैं आपके यहाँ पे ग्यारह फाइलम है बहुत ध्यान से सुनिएगा जिसमें से बहुत ध्यान से सुनेंगे जिसमें से क्या है लिखते जाओ कॉपी में जिसमें से नौ क्या है नौ फाइलम जो है इधर लिख रही हूँ मैं ध्यान से देखो ठीक है नौ संघ में इधर लिख रही हूं ठीक है ध्यान से देखेंगे तो आप और दो फाइलम यहां मैं इस साइड लिखूंगी ठीक है दो फाइलम में इस साइड लिखूंगी ठीक है बच्चा जो ये नो फाइलम है ना ये क्या होते हैं ये कॉर्डेट्स होते हैं ठीक है क्या होते हैं कॉर्डेट्स है, होते हैं यानी कशे रुकी होते हैं ठीक है कशे रुकी होते हैं और जो आपके दो फाइलम हैं सॉरी ये नो फाइलम है इसको लिखेंगे नॉन कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट्स ठीक है ये नॉन कॉर्डेट्स रहेंगे नॉन कॉर्डेट्स ठीक है यानी ऐ कश रुकी ए रुकी और जो आपके दो हैं ये क्या लिखोगे ये कॉर्डेट्स लिखोगे कॉर्डेट्स ठीक है कॉर्डेट्स यानी कश्युकी कशे रुकी अब इसका मतलब क्या है मैम इसका मतलब क्या है बच्चे देखो नो फाइलम आप ऐसे पढ़ोगे ना नो फाइलम आप ऐसे पढ़ोगे यहाँ पे ध्यान से सुनना नो फाइलम तो आप ऐसे पढ़ोगे यहाँ पे जिनके अंदर क्या रहेगा बैक बोन रहेगी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी बैक बोन इज अपसेंट ठीक है बैक बोन इज अपसेंट ठीक है बैक बोन अपसेंट रहेगा ठीक है जबकि आप बच्चा दो फाइलम ऐसे पढ़ेंगे जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी बैक बोन इज प्रेजेंट बैक बोन इज प्रेजेंट ठीक है यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी ठीक है रीढ़ की हड्डी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है ठीक है इसमें देखो रीढ़ की हड्डी में क्रॉस लगा रही हूँ नहीं है ठीक है तो ये जो दो फाइलम, है, ये है, बाकी के फाइलम जो है बच्चा वो नॉन कॉर्डेट्स होते, है, है? होते हैं ठीक है नॉन कॉर्डेट्स होते हैं आइए आगे चलते हैं बाकी इन्हीं नौ फाइलम में से जो जो क्वेश्चन आते हैं मैं बता रही हूँ आगे जो वहां से क्वेश्चन आएंगे मैं वो भी बताऊंगी ठीक है चलिए यहाँ पे है कि चपटे कृमि को किस फाइलम के अंतर्गत रखा गया है अब जो नौ फाइलम है ना उन्हीं में से एक फाइलम का नाम आपको बताना है ठीक है चलिए जो चपटे कृमि होते हैं उन्हें किस फाइलम के अंतर्गत रखा गया है बताएं जरा प्लेटी हेलमेंथिस या आपका यहाँ पे नैमिट नैमी क्लेमेट्स यहाँ पे आपका एनिलीड्स या मोलस्का किस फाइलम में रखे गए हैं जल्दी से तो देखो चपटे चपटे हैं यानी यहाँ पे क्या है आप सब जानते हो दिस इज द फ्लैट चपटे को हम क्या बोलते हैं फ्लैट और फ्लैट आपके घर में क्या है जिस जिस थाली में आप खाते हो यानी आपकी जो प्लेट है वो क्या है बिल्कुल फ्लैट है ठीक है जिस प्लेट में आप खाना खाते हैं वो प्लेट क्या है मैम वो प्लेट बिल्कुल फ्लैट है तो इसी प्लेट इसी जो आपकी प्लेट है इसी प्लेट को यहाँ पे प्लेटी हेलमें थीज ठीक है तो यानी प्लेट क्या होती है फ्लैट होती है तो जितने फ्लैट कीड़े हैं जितने फ्लैट कीड़े हैं वो कहाँ आएंगे वो फ्लैटी में आएंगे ठीक है तो ऑप्शन है आप सभी का यहां पे सही ऑप्शन है. है, पे आप सभी का सही है जिसमें से आप सभी ने 55 परसेंट सही बताया है और डोरेमोन अनुनिषाद कोमल गहलोत और लास्ट में आंसर यहां पे दीपक कुमार आप सभी ठीक कह रहे हो ठीक है राइट right? ठीक है चलिए क्लियर है आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है हाँ जी फीती कृमि संघ के अंतर्गत आता है चलिए बताइए किसके अंतर्गत आएगा ठीक है जल्दी से बताइए टेप ऑर्म किसके अंतर्गत आता है जल्दी 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 डी ऑप्शन मैम चलिए डी ऑप्शन ठीक है हाँ जी टेप बिल्कुल आपका सही है प्लेटी हेलमेंथिस ठीक है प्लेटी हेलमेंथिस यहाँ पे आपका सही जाएगा अब देखो मैं यहाँ से आपको समझाती हूँ आपका जो है प्लेटी हेलमेंथिस यहाँ पे आ जाएगा ठीक है देखिए प्लेटी हेलमेंथिस आपके पास है इसको थोड़ा सा भी साइड करते हैं देखिए बच्चों क्या है यहाँ पे आप देखिए जो प्लेटी हेलमेंथीस है ये एक आपका फाइलम है हिंदी में इसे पृथिक्रमी कहते हैं ठीक है लिख के मैं लाई हूं दे आर सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होते हैं प्लेटी हेलमेंथीस के दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स रट लो देखो एक तो टेप वॉम है आज के बाद टेप वॉम कभी भी आ जाए याद रखिएगा प्लेटी हेलमेंथीस से बिलोंग करते हैं है, मैम ने पढ़ाया था ठीक है दूसरा अगर बात करूं चलिए दूसरा अगर बात करूं क्या है यहां पे लीवर फ्लूक्स है ठीक है लीवर फ्लूक्स है एक बच्चा कह रहा है मैम आज क्वेश्चन बड़े बेकार हैं बेकार नहीं है क्वेश्चंस टफ क्वेश्चंस हैं एनिमल <laughs> किंगडम चैप्टर ऐसे ही सभी छोड़ नहीं देते क्योंकि एनिमल किंगडम जो चैप्टर है ना वो अपने आप में एक टफ चैप्टर है लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आप बहुत ईजी भी आपको लगेगा ठीक है डन चलिए तो दो एग्जाम्पल एक टेपॉर्म एक लीवर फ्लू दोनों आपको याद रखना है ठीक है कहां से होते हैं प्लेटी से बिलोंग करते हैं चलिए भाई आगे चलेंगे आगे चलेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं सही आंसर बोलूं तो प्लेटी आपका डी ऑप्शन सही है और डी के साथ शो रिजल्ट करने पे मुझे आंसर मिल रहा है 70 आप सभी साथल पांडे संदीप डोरेमोन हरेश और यहाँ पे सविता डांगी हैं ठीक है ओके मैम आइए अगला क्वेश्चन है बताएं आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल द मैन मानव जाति के लिए कौन उपयोगी नहीं है मधुमक्खी केंचुआ टेप या रेशम कीट बताए बच्चे कौन सा है जो आपके लिए उपयोगी नहीं यानी हमारे लिए उसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए उसका कोई यूज नहीं है कौन सा है जिसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है हाँ जी सी ऑप्शन सी 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 ठीक है ठीक है ठीक है टेपॉम टेप ओम ठीक है चलिए बिल्कुल सही है देखो बच्चों आपको एक चीज़ बताती हूँ जो यहाँ पे हनी भी है यानी इसे हम मधुमक्खी कहते हैं इसका यूज आप जानते हैं बहुत सारा यूज है है ना हनी भी मधुमक्खी हम इससे हनी प्राप्त करते हैं हनी के इतने यूज हैं हर एक चीज में हनी हम मिलाते हैं ठीक है दूसरा है आपका अर्थवॉम अर्थवॉम आप सब जानते हैं इसकी खेती की जाती है इसे किसान का मित्र कहा जाता है मिट्टी की फर्टिलिटी को इनक्रीज करता है तो ये भी हमारे लिए क्या है उपयोगी है ठीक है है ना ये भी हमारे लिए उपयोगी है अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं रेशम किट भाई रेशम की साड़ी ठीक है तो ये भी हमारे लिए उपयोगी है लेकिन जो टेपोम है ये आपको बीमारी करेगा ये आपके लिए उपयोगी नहीं है ठीक है और टेपोम कहां से बिलोंग करता है आप सब जानते हैं प्लेटी हेलमेंथीस में ठीक है प्लेटी हेलमेंथी जो क्या है आपका फाइलम है वहां से ये बिलोंग करता है ये भी आप जानते हैं तो ऑप्शन यहां पर आपका क्या जाएगा सी ऑप्शन आपका यहां पर सही जाएगा और एटी के साथ सही आंसर किया है ठीक है राइट चलिए भाई और योगेश सौरभ अनुनिषाद कॉकरोच गैंग कोमल दीपक सत्यम न्यूटन चाचा बाबू जहरीला और एम विकेश ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन भी और बढ़ते हैं हाँ जी इस क्वेश्चन को बताइए कि इनमें से कौन सा कीड़ा पत्ती खाकर मनुष्य की आंत में पहुंचता है ठीक है विच आर दॉम रीटू इंटेस्टाइन ह्यूमन ईटिंग लिफ देखो आ, जो है अगर आप ग्रीन वेज भी खाते ना तो बहुत सोच समझ के उसको बहुत अच्छे से वॉश करके खाना चाहिए कई बार जो है ऐसे कीड़े हैं जो हमारे आ, जो है हरी सब्जी खाने से हमारे अंदर जा सकते हैं बताइए हाँ जी टेप वॉर्म फ्लैट वॉर्म म या राउंड कौन सा वॉर्म कौन सा कीड़ा है जो पत्ती के थ्रू आपके पेट में आपके अंदर आपके इंटेस्टाइन तक पहुंच सकता है टेप वाँग, टेप वाँग, टेप वाँग। बिल्कुल सही है यहां पे आपका टेप, जो है आपका टेप कीड़ा आपका सही जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जाएगा ठीक है ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सिक्सटी नाइन परसेंट में सही है अनुनिशा दीपक कोमल और सपना माई ड्रीम केदारनाथ न्यूटन चाचा सौरभ और लास्ट में हेमंत है लास्ट में हेमंत है ठीक है भाई अगले पे चलेंगे अगला है हां जी ये भी बहुत प्यारा सा ही क्वेश्चन है गोल क्रिमी संघ के अंतर्गत आता है राउंड वॉर्म कम्स अंडर द फाइलम एनिलिडा जी, या आपका नेमे हेल्थ मिल या प्लेटी या आपका बच्चा ऑर्थ्रोपोडा किस में आएगा हां जी किस में आता है ये जल्दी से हाँ जी बिल्कुल शानदार आंसर है चलिए तो देखो अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे आ, दिखाना चाहूंगा इस पीपीटी के थ्रू ठीक है तो ये देखो एसके के होता है जिसे नेमा टोडा भी कहा जाता है और इस फाइलम के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो देखिए इस फाइलम को अच्छे से पढ़िए ठीक है, है एसके के जिसे बच्चा नेमा टोडा कहा जाता है द फाइलम एस के आर कॉमनली कॉल्ड राउंड वॉन्स ठीक है तो जो गोल आकार के की कीड़े होते हैं कहा पाए जाते हैं राउंड वाम्स पाए जाते हैं या तो नेमेटोडा फाइलम का नाम आएगा या बच्चा उस फाइलम का नाम रहेगा एसके के या उस फाइलम का नाम क्या रहेगा एसके के ठीक है एसके के ठीक है जी तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ आपका आपका नेमेटोडा आपका बी ऑप्शन सही जाएगा ठीक है यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही आएगा बी के साथ शो करेंगे बच्चे सही है ठीक है है ठीक याद रखिएगा जो जो पे ऑप्शन बता बता रहे हैं इसमें आएंगे, इसमें आएंगे आएंगे मैंने पहले बता दिया है कि जो प्लेट है ना आपकी प्लेट खाने वाली प्लेट जो है यहां से निकालो प्लेट और प्लेट आप जानते हैं फ्लैट होती है बिल्कुल तो इसमें बस आएंगे, क्या आएंगे ठीक है जी क्लियर है कोमल भूमिका सपना रूपेश बारिया दीपक अपर्णा इन बच्चों का सही है ठीक है ग्रेट चलिए भाई अगला 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 अगले क्वेश्चन पे चलते हैं है ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फेरेटिमा पोस्टू हुमा निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है भाई साहब देख रहे हो ऐसा नाम अगर तुम्हारा मैं रख दूं चलिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपका बताएं यहाँ पे आपसे पूछा जा जाए किसका वैज्ञानिक नाम है चलिए बताइए फेरिट हिमा पोस्ट ऑफ द फॉलोइंग जी लीच नर्थबॉम टेपॉम किस ऑप्शन के साथ डी चलिए ठीक है बी और डी में है कंफ्यूज ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस हर एक क्वेश्चन जो आप यहाँ नहीं कर पा रहे हो ना हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है अभी आपको बेशक यहां पे ये चीजें मजाक लग रही हों या लग रहा हो कि बहुत टफ है इसे छोड़ देते हैं लेकिन छोड़ के भी कहाँ जाओगे क्योंकि एग्जाम में तो आएगा ठीक है आंसर यहाँ पे है बच्चा आपका अर्थ ठीक है जो केंचुआ है अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए केचुए का फाइलम बहुत पूछा जाता है केचुआ किस फाइलम से है बच्चा केचुआ याद रखिएगा एनी लीडा फाइलम से है किस फाइलम से है एनी लीडा फाइलम से है ठीक है एनी लीडा फाइलम से है केचुआ किस फाइलम से है एनी लीडा फाइलम से है सी ऑप्शन हम यहाँ लगा देंगे थर्टी थ्री परसेंट आप सभी का सही है जिसमें से शुभम मनीष अनु निषाद बारिया रूपेश काजल पांडे ओगी भूमिका चेतन और खुशी यहाँ पे लास्ट में है ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अगला है केचुए में पाए जाने वाली आंखों की संख्या हां जी केचुए में कितनी आंख है एक आंख है दो आंख है मेनी नो आईज हां जी ब्लू आईज केचुए की आंखें है कैसी हैं? जो हिप्नोटाइज करें वो ब्लू आईज है क्या जल्दी से चलिए तो भाई केचुए में कोई आंखें नहीं होती देर इज नो आईज ठीक है आंखें है ही नहीं तो ब्लू ब्लैक का कोई मतलब नहीं एटी थ्री परसेंट आप सभी का सही काजल पांडे सौरभ अनु दुर्गा शर्मा और लास्ट में मृत्युंजय कुमार शर्मा है चलिए सही बता रहे हैं आप सभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हाँ जी चलिए कींट में कितनी जोड़ी पैर पाए जाते हैं हाउ मेनी पेयर ऑफ लेग इन फाउंड इन इंसेक्ट ठीक है वन पेयर टू पेयर थ्री पेयर फोर पेयर बताइए कींट में कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं कींटों में कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं जल्दी बताएंगे कींटों में कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं जल्दी बताएंगे ठीक है बिल्कुल सही है बच्चों याद रखिएगा थ्री जोड़ी ठीक है थ्री पैर ठीक है कितने जोड़ी पैर हैं तीन जोड़ी पैर हैं ठीक है तीन पैर पाए जाते हैं है ना तीन पाए जाते हैं अब मुझे याद रखिएगा एनिमल किंगडम के किस फाइलम में है फाइलम में है किस में है फाइलम में है जितने भी कीड़े होते हैं उनके पैर ऐसे ध्यान से सुनना एक जोड़ी दो जोड़ी तीन जोड़ी पैर होते हैं लेकिन बच्चे दो कीड़े ऐसे हैं जो ऑर्थ्रोपोडा में है लेकिन उनके पास चार जोड़ी पैर है एक तो याद रखिएगा जो बिच्छू है ठीक है स्कॉर्पियन, ठीक है और एक है यहां पे आपका स्पाइडर ठीक है मकड़ी ये दो के पास चार जोड़ी पैर है याद रखिएगा फोर पेयर ये एग्जाम में आता है कि ऑर्थ्रोपोडा में सभी कीड़ों के पास जो है तीन जोड़ी पैर है लेकिन कौन से ऐसे हैं है ना चलिए राइट क्लास टाइमिंग आपका फोर पीएम है रोज यहाँ शाम को चार बजे क्लास चलती है आंसर यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है काजल पांडे आस्था हरेश कोमल निलेश गोल्डी और यहाँ पे संदीप है ठीक है चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे स्टार्ट पोल कर देंगे केचुए के रक्त में पाया जाने वाला वर्डक है द पिगमेंट फाउंड इन ब्लड ऑफ अर्थवॉम बताइए जो अर्थवॉम है अभी जिस अर्थवॉम के बारे में हम बात ही कर रहे थे तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि उस अर्थवॉम के खून में कौन सा पिगमेंट है हीमोसाइनिन या आपका हीमेथाइन या आपका हीमोग्लोबिन या आपका साइनिन कौन सा पिगमेंट है जल्दी बताएं हाँ जी कौन सा पिगमेंट है जल्दी बताए तो आंसर यहां पे आप याद रखिएगा बच्चों यहां पे आंसर आएगा सी ऑप्शन ठीक है सी ऑप्शन ठीक है चलिए तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे शो रिजल्ट करेंगे 56 परसेंट आप सभी सही हैं सविता पंकज संदीप दर्शन आस्था यहाँ पे ठीक बता रहे हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि अर्थ वॉम इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड बिकॉज इट्स और एटोमोस्फेरिक नाइट्रोजन इट मेक द सोल फोर्सेज इट वर्क टू इंसेक्टिस इट एक्ट एज अ फंगिसाइड बताए हाँ जी हम केचुए को किसान का मित्र क्यों कहते हैं केचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है बी ऑप्शन बी 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 ऑप्शन मैम चलिए यस yes, बच्चा ये क्या करता है ये मिट्टी को पोर्सेस बना देता है जिससे जो प्लांट है जो उसके ऊपर प्लांट उगा है उसकी जड़ों तक अच्छे से रेस्पिरेशन हो पाता है ठीक है तो आंसर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा बी ऑप्शन ठीक है और वहाँ इस कंडीशन में जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है, है ना और प्लांट जितना अच्छा ग्रो करेगा किसान के लिए उतना ही अच्छा है तो आंसर अनु निषाद काजल मनीष लड़कियाँ देखो बिल्कुल आगे हैं आस्था गोल्डी पांडे सौरभ और यहाँ पे नितेश लास्ट में है ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अगला आपके सामने है स्टार्ट पोल करेंगे निम्नलिखित जानवरों में से तीन जोड़ी पैर वाले जानवर कौन चुने ठीक है अमंग फॉलोइंग एनिमल्स चूज द वन हैविंग थ्री पेयर ऑफ लेग्स ठीक है स्पाइडर स्कॉर्पियन बर्ग या आपका माइट कौन सा है चलिए बताइए अच्छा क्वेश्चन है देखिए बच्चा मैंने कहा है कि कुछ के पास चार जोड़ी है ठीक है और कुछ के पास तीन जोड़ी है इनमें से बताओ तीन जोड़ी किसके पास है थोड़ी देर पहले ही बताया है स्पाइडर के पास चार जोड़ी है स्कॉर्पियन के पास चार जोड़ी है ठीक है माइट के पास भी चार जोड़ी पैर है फोर पेयर है ठीक है लेकिन जो बग है बच्चा बग के पास याद रखिएगा एक प्रकार का कीड़ा है इसके पास थ्री पेयर तीन जोड़ी पैर है ठीक है तो आंसर यहाँ पे हमें तीन जोड़ी वाला ही चूज करना था बग यानी सी ऑप्शन आपका सही जाएगा बग यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जाएगा ठीक है आइए शो रिजल्ट में फिफ्टी आप सही कर रहे हैं ठीक है है ना 53 देखो आज यहाँ पे सारे इंसेक्ट की बात हो रही है सारे कीड़ों की बात हो रही है तो जो कॉकरोच गैंग है उनकी तो बल्ले बल्ले है आज हाँ चलिए बग क्या होता है आ, खटमल देखा है वही होता है ठीक है चलिए दर्शन है बाबू जहरीला कोमल भूमिका पुष्पाराज सौरभ ठीक है और रूपेश है ठीक है चलिए आ जाइए आ जाइए देखो इनको अंग्रेजी तो आती नहीं है ठीक है और लिख रहे हैं व्हाट इज बग हाँ हिंदी में ही पूछ लो तुम मैम बग क्या होता है फिर भी सही लगे अंग्रेजी आती भी नहीं है और अंग्रेजी बोलना भी है हाँ ये सारे अंग्रेजी बोलते हैं सोचते हैं कि भाई जितना अंग्रेजी बोलेंगे मैम उतना ज्यादा इंप्रेस होंगे हाँ तुम्हारे अंग्रेजी में क्या है गलत गलत अंग्रेजी बोलते हो एक तो तुम चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने सिल्क इज ऑपटेन फॉर्म ठीक है रेशम प्राप्त होता है जल्दी जल्दी बताओ हाँ जी <laughs> जल्दी 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 बताए आपसे पूछा जा रेशम प्राप्त होता है कहां से एग ऑफ ऑफ पूम लार्वा ऑफ सिल्कॉम नन ऑफ दिस किस ऑप्शन के साथ जल्दी से <clears throat> कौन सा ऑप्शन लग रहा है सी ऑप्शन चले बी ऑप्शन आपका सही जाएगा पुपा ऑफ सिल्क वॉर्म आपका सही जाएगा जिसे हम प्यूपा ही कहते हैं वैसे तो बी ऑप्शन आपका सही जाएगा प्यूपा ऑफ सिल्क जिसमें से संदीप मनीष कोमल अभिषेक हर्ष अमित आशीष वन टाइम यदुवंशी प्रीति शर्मा खुशबू कुमारी आप सभी सही हैं आज तो भाई साहब अच्छा बताओ किस किस को लग रहा है कि वो टॉप ट्वेंटी के अंदर आएगा आज टॉप टेन तुम छोड़ दो टॉप टेन तुम छोड़ दो आज टॉप ट्वेंटी के अंदर कौन कौन आएगा आज आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है निंद्रा रोग फैलाता है स्लीपिंग सिकनेस ठीक है? बताइए जल्दी से कह रहे मैम आउट ऑफ हंड्रेड हूं आज मैं बहुत <laughs> ही बाहर हूं मैम मैं क्वेश्चन बताइए द डिजीज स्लीपिंग सिकनेस इज स्प्रेड बाय सी सी फ्लाई सेंड फ्लाई बेड या हेड हाउस ठीक है जल्दी से बताइए हेड लूज लाउज ठीक है जल्दी से बताइए ठीक है आंसर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा आंसर यहाँ पे आपका सी सी फ्लाई आपका सही जाएगा सी सी फ्लाई आपका सही जाएगा चलिए भाई यहाँ पे लगाते हैं ए ऑप्शन के साथ ठीक है ए ऑप्शन के साथ करते हैं 50 आपका संदीप दर्शन खुशी शुभम और काजल पांडे हैं ठीक है सही है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे चलिए भाई अगला क्वेश्चन है कालाजार कौन फैलाता है बैक फ्लाइज Flies, fly, या माइट्स, ठीक है बताए कालाजार कौन फैलाता है कालाजार कौन फैलाता है याद रखेगा कालाजार को दम दम फीवर कहा जाता है दम दम फीवर ठीक है बताइए जल्दी से ए ऑप्शन ठीक है आंसर यहां पे आपका जाएगा बी ऑप्शन ठीक है है ना आपका सैंड फ्लाई आपका सही जाएगा यहाँ पे सैंड फ्लाई ठीक है देखो सीसी फ्लाई से क्या फैला सीसी फ्लाई से मैम निंद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस फैला जिसको काट लेगी मस्त वाली नींद आएगी ठीक है वहीं पे सैंड फ्लाई से क्या फैलता है कालाजार ठीक है सैंड फ्लाई से क्या फैलेगा कालाजार बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जाएगा श्योर इजन 40% आप सभी सही हैं दर्शन सुखविंदर शु, अनुनिषाद और यहाँ पे संदीप रूपेश और लास्ट में हेमंत है काजल पांडे ये सभी सही कर रहे हैं अगला क्वेश्चन है आपके सामने घरेलू मक्खी का लार्वा कहा जाता है देखो जो आपने घरेलू मक्खी देखा होगा ठीक है तो उसका जो लार्वा होता है कुछ इस तरीके से होता है ठीक है बाद में इस तरीके से ये निकल जाता है निकल जाती है मक्खी यहाँ से तो मक्खी हूँ मैं मक्खी तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो मक्खी है घरेलू उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भाई लार्वा ऑफ हाउस फ्लाईज कॉल्ड प्यूपा या आपका इमोगो या आपका मैग मैगोटो तो, या आपका नॉन ठीक है यानी नॉन बताया ऑप्शन क्या जाएगा हम्म हम्म ठीक है ठीक है ठीक है तो आंसर यहां पे आपका मैगेटो यहाँ पे आपका मैगोटो आपका सही जाएगा सी ऑप्शन आपका यहां पे है, है? प्रीति शर्मा ठीक है चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए अगला है कि भाई बिच्छू के डंक में जो है सॉरी डंक नहीं है बिच्छू में जहर पाया जाता है पॉइन स्कॉर्पियन ऑफ इन uh, बताइए जो ये बिच्छू है ठीक है बिच्छू बिच्छू का जहर कहां पाया जाता है बच्चा बिच्छू का जहर कहां पाया जाता है बिच्छू का जहर कहां पाया जाता है जल्दी बताएंगे माउथ लेग हैंड टेलशन चले आंसर यहाँ पे आ देखिये बच्चा टेंशन यहाँ पे आपका सही जाएगा देखो इनकी जो पूंछ होती है ना इस पे ये आपको दिख रहा है ये कभी आपको लगता हो मत, जो है बिच्छू यहाँ से काटता बिच्छू का जो जहर फैलता है बिच्छू अपना यहाँ से जहर आपके अंदर डालता ठीक है ओके तो यहाँ पे आपका सही आंसर जाएगा टेंशन डी ऑप्शन आपका सही जाएगा शो रिजल्ट में सेवेंटी फाइव परसेंट आप सभी सही कर रहे हैं जिसमें से कॉकरोच संदीप मनीष आर्या और यहाँ पे आंसर है चंदन लास्ट में अगला है आपके सामने कटल फिश का कहा जाता है कटल फिश कहा जाता है हाँ जी कटल फिश इज नॉन जी यहाँ पे लॉगलिगो या सेपिया या आपका बच्चा पीला या यहां पे आपका टॉरपेडो ठीक है बताइए किसे यहां पे कटल फिश कहा जाएगा कटल फिश किसे कहा जाता है फटाक से आंसर करके बताओ कटल फिश किसे कहा जाता है कटल फिश किसे कहा जाता है जल्दी से बताओ यस yes, तो कटल फिश आप सभी को याद रखना हाँ जी कटल फिश जो है यहाँ पे आपका सीपिया सही आंसर जाएगा ठीक है सीपिया इस, इसको देखेंगे इस फोटो को ये है सीपिया अरे इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना था इसको चलिए बी ऑप्शन है श्योर रिजल्ट में और यहां पे जो है यहां पे कौन है यहाँ पे दर्शिल है और कॉकरोच है संदीप है देखिए ये है सीपिया ठीक है ये है सीपिया राइट अगला क्वेश्चन है ऑक्टोपस ऑक्टोपस संघ के अंतर्गत आता है ऑक्टोपस कम्स अंडर द फाइलम ऑर्थ्रोपोडा हेमिकॉर्डेटा मोलस्का एकाइनोडर्मेटा बताएं हाँ जी जल्दी से यस yes, प्यार से बोलो ऑक्टोपस है ना ऑक्टोपस बहुत सॉफ्ट है हमें बड़े प्यार से बड़े सॉफ्टली बोलना है का ठीक है तो कहाँ से आएगा ये राइट ऑप्शन हाँ पे सी सही जाएगा और में आया है यहाँ पे मोलस का सेवेंटी थ्री परसेंट आपका सही है काजल पांडे दर्शन अनु अभिषेक सौरभ और बसंत है यहाँ पे नितिन है विष्णु है दीपक सोलंकी आप सभी सही बता रहे हैं है ना ऑक्टोपस एलियन होता है एलियन नहीं होता है है ना बात करें कि तुम्हारा जो है पक्का दोस्त है अब तुम क्या हो एलियन हो तो ऑक्टोपस भी एलियन है चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट आपके सामने है कि ऑफ द द नोन एज डेविल फिश आप फटाफट फोटो देख के ही आंसर कर दोगे कि भाई यहाँ पे डेविल फिश यानी भूतिया मछली या शैतान मछली किसे कहा जाता है तो आप सभी आंसर कर देंगे वो है ऑक्टोपस दैट इज मोलश का फाइलम ठीक है तो इसे हम मोलस्का फाइलन जो ऑक्टोपस है इसे बच्चा देखो देखने में थोड़ा डरावना सो नहीं है इसे डेविल फिश कहा जाएगा ठीक है डेविल फिश कहा जाता है राइट और एक क्वेश्चन और कर कर लेते हैं फिर चलिए ये क्वेश्चन करिए उसके बाद में टॉप टेन आपको दिखा जाएगा झींगे और तितलियों के उपस्थिति के कारण एक ही फाइलम से संबंधित है ठीक है चलिए बहुत शानदार है जो प्रॉन्स होते हैं यानी झींगे ठीक है जो प्रॉन्स होते हैं और जो बटरफ्लाईज है बच्चों इनको हम ऑर्थ्रोपोडा संघ में क्यों रखते हैं ऐसी इनकी क्या विशेषता है बताइए ऐसी इनकी क्या विशेषता है कि इनको हमें कहाँ रखना पड़ रहा है आपको ऑर्थ्रा ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में रखना पड़ रहा है इनकी ऐसी क्या विशेषता है आपको बताना है हाँ जी तो इनके पैर क्या होते हैं ज्वाइंटेड लेग्स ठीक है देखो ऑर्थ्रोपोडा संघ का मतलब ही क्या है ऑर्थ्रो ठीक है देखो ऑर्थ्रोपोडा ठीक है ध्यान से सुनिएगा पोडा मतलब पैर ठीक है और ऑर्थ्रो मतलब ज्वाइंट्स ठीक है यानी जोड़ा ठीक है ज्वाइंट्स यानी जोड़े में ठीक है तो बस यही रीजन है ठीक है यही रीजन है तो आंसर यहां पे जाएगा ज्वाइंटेड लेग्स वी ऑप्शन आपका फोर्टी फोर परसेंट आप सभी सही हैं, ठीक है चलिए तो देखिए बच्चों आज हमेशा याद रखिए आपकी क्लास फोर पी एम यही होती है ठीक है और आज मैं 8 पीएम टेलीग्राम शिल्पी मैम का जो टेलीग्राम है होप होप्सो आप सभी ने ज्वाइन किया होगा ठीक है कल वाली वीडियो में भी मैंने टेलीग्राम को प्रॉपर मेंशन किया था आज वाली वीडियो में मेंशन नहीं है कल मैं ले आऊंगी वापस से उसका नाम लेके टेलीग्राम का ठीक है तो होप होप्सो आप सभी इसने इस टेलीग्राम को आपने ज्वाइन किया होगा आज इसमें मैं एट पी लाइव आऊंगी आप सभी को लाइव आना है हम बातचीत करेंगे सारे बैच वाले बच्चे भी उधर आ रहे हैं तो आप भी लाइव आइए उसके बाद में कोई आपका कंसर्न है कोई दिक्कत है कोई किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो एटलीस्ट आप मुझे अपना कंसर्न बता दे बता सकते हैं तो वहाँ पे मेरे पास जो भी सॉल्यूशन होगा आई विल प्रोवाइड यू ठीक है चलिए तो आंसर यहाँ पे आपका सबने आपने देख लिया है हम यहाँ पे टॉप टेन जरूर देख लेते हैं चलिए तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से सुनिए आपका यहाँ पे क्या है आपका एक बार देख लेंगे सभी यहाँ पे हैं ठीक है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ठीक है First, second, तो भाई देखो यहाँ पे फज अरे काजल देखो भाई सभी काजल को ध्यान से काजल ने भाजे में ही सही पर <laughs> पूरा भाई देखो एनिमल किंगडम देखो तुम्हें क्या लगता था देखो अनु कहाँ पे हो आप इस इस जो है इस धोखेबाज मित्र को देखो रोज आपके सामने है कह रहे थे मैम हम आउट ऑफ हंड्रेड है सबसे पहले नाम इसका मतलब कि धीरे धीरे पढ़ाई अंदर अंदर चल रही है वो बच्चे हैं जो रजाई में छुप के सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है सेकेंड यहाँ पे है खुशी चलिए भाई खुशी खुशी यहाँ पे खुशी का नाम हम लिख देंगे और फिर यहाँ पे है हरेंद्रा भाई मारे छोरे छोरियों से नहीं ऐसे तो नहीं बोलूंगी मैं चले हरेंद्र है ठीक है चलो भाई डन है है ना तो यहाँ पे आपका थ्री फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों के लिए भाई तालियां बहुत शानदार काजल मैं बहुत खुश हूं आपसे है ना आज इतना टफ क्वेश्चन था और खुशी भी यहां पे बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और अब खुशी मैंने देख लिया कि रेगुलर हो चुके हैं तो बहुत शानदार है हरेंद्र तो हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट रहे हैं ठीक है चले भाई बहुत शानदार है और यहाँ पे बात करें यहाँ पे हैं अभिषेक कुमार बहुत अच्छा अभिषेक अभिषेक मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं सौरभ हैं अमित हैं दीपक संदीप ओगी एंड रुपेश ये हमारे टॉप टेन बच्चे हैं हेमंत अनु निषाद अनु तुम टॉप ट्वेंटी में आ गए हो तो आप ताली बजाओ कोमल गहलोत निलेश बारिया भूमिका न्यूटन चाचा प्रीति हर्ष हरीश और शिखा ये टॉप ट्वेंटी है ठीक है बाबू जहरीउला दुर्गा शर्मा पुष्पा राज और लास्ट में आंसर यहाँ पे ढक्कन मुस्कान मुझे लगा ढक्कन तो नहीं है कहीं तुमने नाम ही ढक्कन रख लिया हाँ चलो तो क्लियर है यहाँ तक बातें तो ये एनिमल किंगडम पूरा का पूरा देखो थेरी है ठीक है एनिमल किंगडम जो है पूरे का पूरा का पूरा थेरी बेस्ड चैप्टर है ठीक है और सारा ही आपके इस पीपीटी में है सारे देखो सारी चीज़ें ठीक है सारी चीज़ें इस पीपीटी में है लाइक देखिए पोरीफेरा फाइलम के बारे में बताया हुआ कि जो पोरीफेरा फाइलम होते हैं उनके बॉडी पे पोर्सेस पाए जाते हैं ये पूरी की पूरी पी हिंदी इंग्लिश सब में मैंने बहुत प्यार प्यार से मैंशन कर रखा है ये पी अभी आपको पाँच मिनट बाद मैं डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल पर ठीक है टेलीग्राम चैनल से सभी डाउनलोड कर लेना इस पीडीएफ को आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा ठीक है पीडीएफ और क्वेश्चंस के साथ मिलेगा विथ क्वेश्चंस चैप्टर और क्वेश्चन दोनों एक साथ मिल जाए फिर तो मजा ही मजा है ठीक है तो दोनों ही क्वेश्चन और पूरा थेरी मैं आपको अभी अपलोड कर दूंगी तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम सेम जगह से फोपियम बाय टेकर बेस्ट ऑफ लक